यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने कहा है कि जूनियर, सब जूनियर और यूथ कैटेगरी के पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद अवार्ड देने के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है। अनिल विज ने कहा कि नोटिफिकेशन में सिर्फ जूनियर, सब जूनियर और यूथ कैटेगरी के पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद अवार्ड के लिए अलग कैटेगरी बनाने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजने की बात कही गई है। इसके अलावा नोटिफिकेशन में यह भी साफ किया गया कि सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों में फर्क होता है, उन्हें समान नहीं माना जाएगा। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों की ओर से आपत्ति आई थी कि सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों का स्तर अलग होता है और सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों की इनाम राशि समान नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया उसमें, वो खाली उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि सीनियर और जूनियर में फर्क होता है। ऐसा नहीं कहा कि इनको नहीं दिया जाएगा। ये खिलाड़ियों की तरफ से एक ऑब्जेक्शन आ रहा था कि सीनियर और जूनियर का प्राइज मनी बराबर नहीं होनी चाहिए, तो वो एक प्रपोज़ किया है कि जूनियर के लिए और प्राइज मनी होनी चाहिए और सीनियर के लिए और प्राइज मनी होनी चाहिए।